आगे बढ़ते हैं। जयपुर में नीट एग्जाम में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा हो रहा है और इस दौरान क्या कुछ कहा जा रहा है ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि भांकरोटा थाना पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अभ्यर्थियों को, उनके अभिभावकों को इस तरह का प्रलोभन देते हैं कि आपको पेपर आउट करा देंगे, आपकी जगह प्रोक्सी को बैठा देंगे। एक किसी भी तरीके से परीक्षा फेयर तरीके से ना हो, इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। उसी चीज़ को देखते हुए जिला वेस्ट की थाना टीम, डीएसटी टीम ग्राउंड लेवल पर इस तरह से काम कर रही थी। कहीं से भी अगर कोई सूचना इस तरह से आई, हर सूचना पर काम किया गया और उसी हार्डवर्क का नतीजा ये हुआ कि 12 तारीख को ही डीएसटी टीम के कांस्टेबल की तरफ से एक सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज जो भांकरोटा थाना एरिया में है, उसमें रीट परीक्षा का आयोजन होना है। परीक्षा की टाइमिंग 2 से 5 थी और सूचना ये थी कि वहाँ पर पेपर को आउट कराया जाएगा और पेपर को आउट करा के बाहर से उसको सोल्व करके आंसर की परीक्षा हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। धीरे धीरे इस सूचना को डेवलप किया गया। इस पूरी ही जितनी भी ये कार्रवाई हुई, इसका पूरा सुपरविजन हमारे एडिशनल डीसीपी वेस्ट और एसीपी वैशाली के सुपरविजन में हुआ। पूरी सूचना को डेवलप करने के बाद ये पूरा घटनाक्रम इस तरीके से सामने में आया कि राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभारी थे, वे इस पूरी आपराधिक गतिविधि में लिप्त थे। उनको जब पेपर का एक्सेस हुआ, उन्होंने और उनके एक साथी ने पेपर का फोटो खींचकर व्हाट्सएप के द्वारा बाहर के अपने साथियों को भेजा। ये पूरा का पूरा उन्होंने व्हाट्सएप किया। उस पेपर को जिनके पास उन्होंने भेजा, वे चित्रकूट थाना क्षेत्र के अंदर एक होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने उस पेपर को आगे अपने और साथियों के पास सीकर में भेजा और वहाँ से पेपर सोल्व होकर चित्रकूट में उपस्थित उन लोगों के पास में आया। उन्होंने वापस जो राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उनके साथी लोग थे, उनको वापस व्हाट्सएप किया और पूरी आंसर की आ जाने के बाद वो आंसर की अब तक के अनुसंधान में जो आया है, वहाँ पर एक अभ्यर्थी थी धनेश्वरी, उसको उन्होंने दी। इस पूरे घटनाक्रम की त्वरित कार्रवाई के पश्चात वे फोन्स, वे व्हाट्सएप चैट्स, जिसमें पेपर को लगभग 2:30 बजे ही पेपर आउट हो गया। परीक्षा का समय 2 से 5 था और 2:30 बजे पेपर आउट हो गया था। पेपर वहाँ से पहुँचा और जो आंसर की बाद में आई उसको उन्होंने प्रिंट आउट लिया और वो प्रिंट आउट लेकर उस प्रिंट आउट की कॉपी अभ्यर्थी को दी गई। उस प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी भी हमारी टीम के द्वारा सीज की गई है। वे फोन सीज किए गए हैं और ये पूरा सौदा 30-35 लाख रुपए में तय हुआ था पर कैंडिडेट। अभी कितने अभ्यर्थियों के साथ ये सौदा हुआ था वो अनुसंधान का विषय है।